ये देखिए रेडी है ढाबा स्टाइल चना दाल और लौकी की सब्जी या दाल, आप कुछ भी कह सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप एक बार राइस के साथ या फिर चपाती के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा, खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लौकी और चना दाल की रेसिपी, जो कि बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनाएंगे। आप इसे होम स्टाइल भी कह सकते हैं, क्योंकि हर पंजाबी घर में लगभग इसी तरीके से बनती है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि हम खड़े मसालों का भी इस्तेमाल करेंगे। तो आइए जल्दी से ये रेसिपी शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर आपने इसे एक बार इस तरीके से बना लिया तो डेफिनेटली आप हर बार इसी तरीके से बनाना चाहेंगे। तो आइए झटपट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये चना दाल ली है। कोशिश करें कि इस तरह छोटे या बारीक दानों वाली चना दाल हो, तो उससे बहुत ही अच्छी दाल बनती है। सवा कप, अगर आप कप से मेजर कर रहे हैं तो 1 1/4 कप चना दाल है। और कटोरी ले रहे हैं अगर बड़े साइज की तो 1 कटोरी है। 600 ग्राम की यहाँ पर लौकी ली है। इसको पील करके छील लूंगी। और इससे पहले मैंने यहाँ पर इसको धोकर के भिगो दिया है, ताकि चना दाल को कुक होने में थोड़ा कम टाइम लगे और गैस की भी बचत हो। तो यहाँ पर हम फटाफट से इसको झटपट से पीलर से पील कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लौकी को धो लिया है। अब हम इसको कट करेंगे। उसके लिए मैं इसे बहुत ज़्यादा बारीक टुकड़ों में नहीं कट करूँगी, थोड़ा ठीक साइज़ के टुकड़े बनाएंगे, ताकि जब हम इसे दाल में डालें तो बिल्कुल हलवा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने लौकी कट कर ली है, दाल भी भीग करके रेडी है। आइए अब हम चना दाल लौकी बनाना शुरू करते हैं। तो दाल को मैंने बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं भिगोया है, जस्ट 15 से 20 मिनट के लिए भिगोया है। आप चाहें तो आधे घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये भीगी हुई दाल डाल देंगे। तो दाल डालने के बाद यहाँ पर 4 कप पानी डाल देंगे। इसी के साथ हम इसमें ये लौकी डाल देंगे, जो कि हमने ऑलरेडी कट करके रखी है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इसको एक बार मिक्स कर देंगे। नमक और हल्दी डालकर हम इसे 4 विसल लगाएंगे। पहली विसल हम हाई फ्लेम पर लगाएंगे और उसके बाद की 3 विसल जो हैं वो मीडियम फ्लेम पर लगाएंगे। तो यहाँ पर 4 विसल लगा करके मैं गैस बंद कर दूंगी, क्योंकि दाल भीगी हुई है। अगर दाल भीगी हुई ना हो तो आप 5 to 6 विसल्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको विसल लगा लेंगे। तो यहाँ पर इसमें विसल्स आ चुकी हैं, प्रेशर रिलीज हो चुका है। तो हम इसे चेक कर लेंगे। लौकी और चने की दाल जो है वो अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है। आप यहाँ पर चने की दाल को भी चेक कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। अगर आपको लौकी के टुकड़े ऐसे पसंद ना हो तो आप इसको हल्का सा करछी से इस तरह से मैश कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो अब हम इसके लिए तड़का बनाएंगे। इसको साइड पर रख देंगे। तड़का बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें डाल देंगे 2 तेज पत्ते, 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 लौंग और 8 से 10 इलायची डाल देंगे। हल्का सा भुनने देंगे। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 8 से 10 कलियां लहसुन की बारीक कटी हुई और साथ में 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। जैसे ही लहसुन गोल्डन हो जाएगा, इसके साथ हम इसमें हींग का पानी डाल देंगे। 50 हींग को इस तरह पानी में घोल करके रख लिया था। और प्याज बारीक कटी हुई, इसको भी अब हम गोल्डन कलर आने देंगे। तो प्याज का कलर जो है वो चेंज होने लगा है। इसको थोड़ा सा और भूनेंगे, गैस का फ्लेम लो कर देंगे। और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पर देगी मिर्च है, 1/4 चम्मच कूटी हुई मिर्च, यानी कि चिली फ्लेक्स इसको बोलते हैं, इसे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। इसी के साथ में हम ऐड कर देंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक, या मसाले के अकॉर्डिंगली मैं नमक डाल रही हूँ, क्योंकि दाल जब हमने बॉयल की थी उसमें भी नमक ऐड किया था। तो इसको हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे अब। और यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर मिक्सी के जार में डाल करके पीस लिए थे। अगर आप इसे मेजर करेंगे तो 1 छोटी कटोरी के करीब टोमेटो प्यूरी है। और अब हम इसे भूनेंगे जब तक कि ये अच्छे तरीके से ऑयल है वो साइड से छोड़ ना दे। तो यहाँ पर मैंने 2 हरे मिर्च को इस तरह से चीरा लगा लिया है, इसको डाल देंगे। इससे दाल ना तो बहुत ज़्यादा तीखी होगी और साथ ही हरी मिर्च का फ्लेवर भी आ जाएगा।
तो इसको हम अच्छे तरीके से भुनने देंगे। तो ये देखिए मसाला कितने अच्छे से भुन चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखिए किस तरह से ऑयल अच्छे से छोड़ चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे बॉईल की हुई दाल डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे एक बार। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और एक छोटा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी। मैंने इसको तवे पर डालकर हल्का सा रोस्ट कर लिया था, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। तो इसको भी डाल देंगे और इसको एक बार मिक्स कर देंगे। तो मैं इसे ढक दूंगी और 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने दूंगी, बिल्कुल हाई फ्लेम पर नहीं पकाएंगे। सभी फ्लेवर्स अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए बस उतना ही पकाना है हमें। तो 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम कर दी है मैंने। 5 मिनट के बाद हम इसको बटर का तड़का लगाएंगे। तो ये देखिए इसे 5 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसे चेक कर लेंगे। वाह बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी दाल है ना बहुत ज़्यादा पतली है। और लौकी घिया चने की दाल बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बन करके रेडी है। अब रहता है इसमें ढाबे वाला तड़का, तो हम वो लगा लेंगे। उसके लिए मैं इसको जरा साइड पर कर दूंगी। तो सबसे पहले लेंगे एक तड़का पैन और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून से भी कम ऑयल, ताकि जो हम बटर डालेंगे वो जले नहीं। तो इसको एक बार इसको स्प्रेड कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच बटर। जैसे ही बटर घुल जाएगा हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी या देगी मिर्च। तड़का बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए अब हम इस तड़के को सीधा दाल पर डाल देंगे। तो ये देखिए ढाबा स्टाइल दाल रेडी है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। ये देखिए इसका टेक्सचर, ट्रस्ट मी, जब भी आप ये दाल बनाएंगे या खाएंगे या किसी को भी खिलाएंगे सबको बहुत पसंद आएगी। अगर बच्चे भी लौकी खाना पसंद नहीं करते तो इस तरीके से दाल में आप उन्हें अच्छे से लौकी खिला सकते हैं, क्योंकि हेल्थ के लिए तो अच्छी है ही, यहाँ पर टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगती है। तो आप एक बार इस तरीके को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको इस तरीके से ये ढाबा स्टाइल लौकी चने की दाल कैसी लगी। तो ये देखिए रेडी है ढाबा स्टाइल चना दाल और लौकी की सब्ज़ी या दाल, आप कुछ भी कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप एक बार राइस के साथ या फिर चपाती के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और खाना मनपसंद को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून, बाय।